हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मानसी लव्स फैशन। यदि आपने मेरा लास्ट वीडियो देखा हो तो लास्ट वीडियो काफी ज्यादा इमोशनल रहा था। मैंने अपने बहुत सारी चीजों के बारे में बताया था, बट ठीक है, वो भी एक मेरे लाइफ का ही पार्ट है। एंड आज मैं आपके साथ लेके आई हूँ बहुत ढेर सारा मिंत्रा का बर्थडे ड्रेसेस, मॉडर्न ड्रेस बोलो, बर्थडे पहन लो, कहीं भी पहन लो, बट दीज आर ऑल आर मॉडर्न ड्रेस जिसमें मम्मी से बिल्कुल डांट नहीं पड़ने वाली है। और ये सभी ड्रेसेस मिंत्रा से हैं, टोटल 10 ड्रेसेस हैं एंड ऑल आर सो सो प्रिटी। तो चलो फटाफट दिखाते हैं, आज का बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और आज आपको डायरेक्टली लेके चलते हैं हॉल पे और दिखाती हूँ आपको आज की कलेक्शन। सबसे पहली ड्रेस से शुरू करते हैं, तो ये है मेरी फेवरेट ड्रेस। सबका प्राइस आपको यहाँ साइड में मिल जाएगा एंड सबका ट्राई ऑन आपको साइड में। तो ये देख सकते हो, ये कितनी खूबसूरत ड्रेस है यार, जॉर्जेट फैब्रिक की है, इतना सॉफ्ट फैब्रिक है इसका, इतनी ज्यादा कंफर्टेबल लग रही है, एकदम फुली फुली टाइप की बिल्कुल स्लीव्स मिल रही है, लाइक ऐसा लग रहा है, ऐसा मतलब समर्स के लिए ना एकदम परफेक्ट ड्रेस है, बिल्कुल गर्मी लगने ही नहीं वाली है। इतना फ्लेयर मिल रहा है, ऐसा फ्रिल वाला फ्लेयर लगा हुआ है इसमें, कलर इतना डिसेंट है एंड प्राइस के हिसाब से भी एकदम परफेक्ट लग रही है। इट इसका नेक डिजाइन इतना ज्यादा सुंदर लग रहा है, यदि आपकी मेरे से ज्यादा भी हाइट है तो आपके ऊपर तो वैसे ही बहुत सुंदर लगेगा। माई हाइट इज 5'3" और मेरे ऊपर भी ये बहुत अच्छी लग रही है, हील्स भी मैंने पहना है एंड ओवरऑल लुक काफी क्यूट एंड प्रिटी सा है एंड इसको पहन के तो मैं कहीं भी जा सकती हूँ, लाइक बहुत प्रिटी ड्रेस है। पूरी अंदर स्टिचिंग क्वालिटी वगैरह सब कुछ काफी अच्छी है, आगे से बटन की डिटेलिंग भी मिल रही है, फिटिंग वगैरह इसकी बहुत अच्छी आई है एंड आई एम इन लव विद दिस। लेट मी चेक इसमें कोई चेन वगैरह है क्या? नो, आई डोंट थिंक सो। इसमें कोई चेन वाला अटैचमेंट नहीं है क्योंकि इसमें इलास्टिक वाला अटैचमेंट है, ये यहाँ पे स्ट्रेचेबल है तो आपके वेस्ट पे ना बहुत अच्छे से फिट आ जा रही है, तो इस वजह से मुझे ये काफी ज्यादा अच्छी लगी एंड आई लव दिस ड्रेस। तो ये देखो नेक्स्ट ड्रेस, ओ माई गॉड व्हाट अ कलर, इतना सुंदर, इतना प्रिटी कलर है इसका, स्लीव डिजाइन इतना सुंदर लग रहा है, ऐसा सा स्लीव्स एकदम बिल्कुल फ्लफी वाला स्लीव मिल रहा है इसमें, पूरा ऐसा फ्रिल वाला डिजाइन मिल रहा है पूरे में, इस तरह की दो तरीके की फ्रिल बनी हुई है, अंदर लाइनिंग भी है, प्रॉपर जॉर्जेट का मटेरियल है, वेस्ट पे आपको प्रॉपर इस तरीके की स्ट्रेचिंग स्ट्रेचेबल मिल रही है, तो वेस्ट पे बहुत अच्छे से सेट हो जा रही है। ओके, बहुत सारे लोग पूछते हैं मैंने कौन सा साइज ऑर्डर कराया है, सो मैंने इनमें एक्स्ट्रा स्मॉल और स्मॉल साइज ऑर्डर करा है इन सभी में, और ये वाली मुझे सच में इतनी प्यारी लग रही है, व्हाइट बैग के साथ मैंने इसे कैरी करा है और यदि मेरे पास व्हाइट सैंडल इमीडिएट उस समय मिल जाती ना, ऐसे लेस वाली जो होती है ना वो वाली मिल जाती, तो मैं उसको इसके साथ वो ही पहनती हूँ, वो भी इसके साथ बहुत अच्छी लगती है। व्हाइट के साथ इसका कॉम्बिनेशन इतना ज्यादा प्रिटी लग रहा है, इतनी समरी वाइब है इसमें, बहुत खूबसूरत सी ड्रेस है, लाइक आई एम इन लव, और पूरा ओवरऑल फिटिंग भी इसकी बहुत सुंदर आ रही है, स्टिचिंग वगैरह सब कुछ बहुत सुंदर है एंड एकदम परफेक्ट ड्रेस है। एंड ये इस तरीके की ड्रेस है ना कि यदि आपके स्ट्रिक्ट पेरेंट्स है ना तो बिल्कुल डांट नहीं पड़ने वाली, कोई भी इन सबको पहनने देगा, क्योंकि मुझे भी पर्सनली ऐसी ड्रेसेस बहुत पसंद होती हैं। नेक्स्ट है एक बहुत ही ज्यादा खूबसूरत सी ड्रेस, इसमें दो कलर है, इसमें से जो ग्रीन कलर है ना मैं वो भी आपको दिखा दूंगी, एक्चुअली मुझे इसका ग्रीन कलर बहुत बहुत ज्यादा ही पसंद आया एंड आप लोगों को भी वो वीडियो, आप लास्ट वाला आप लोगों ने इतना भयंकर वायरल करा ना ग्रीन वाला इसका, इतना ज्यादा मतलब जिस प्लेटफॉर्म पे मैंने उसका वीडियो डाला हर प्लेटफॉर्म पे उसका वीडियो वायरल हुआ था, लेकिन इतनी प्यारी ड्रेस थी वो, तो मैंने सोचा चलो इसका ये जो दूसरा कलर है ना इसको ये भी मंगा के देखते हैं एंड ट्रस्ट मी ये भी कुछ कम नहीं है। इसमें देख रहे हो यहाँ पे कैसी एकदम बिल्कुल मोतियों की डिटेलिंग मिल रही है नेक में एंड यहाँ पे ऐसी ऐसी सी स्लीव मिल रही है, बहुत ही क्यूट एकदम फेरी टेल वाली वाइब है इसमें एंड नेक पे, यहाँ पे ये नेक इसका काफी डीप था तो इन्होंने इस बार ये हुक सा लगा दिया जिससे कि ये डीप नेक ना जाए, वेस्ट पे आपको प्रॉपर स्ट्रेचेबल मिलती है, एक्चुअली ये बैक साइड से स्ट्रेचेबल होती है, ये देखो ये इस साइड से स्ट्रेचेबल है एंड बहुत सही फिटिंग आ रही है इसकी, आई लव द फिटिंग एंड इसकी लेंथ वगैरह भी काफी अच्छी है, ओवरऑल लुक देख सकते हो कितना ज्यादा सुंदर लग रहा है, आई लव दिस ड्रेस 100%, यू कैन डेफिनेटली चेक आउट। एंड इसका जो फैब्रिक है ये शिफॉन फैब्रिक है, ये जॉर्जेट फैब्रिक नहीं है, सो कीप इन माइंड कि बहुत अच्छी ड्रेस है, इसको मशीन में डाल के नहीं धोना है, ठीक है, अच्छी ड्रेसेस की टेक केयर हमेशा ही हैंड वॉश से करना चाहिए क्योंकि यदि मशीन में डाल के धुलोगे ना तो इसकी मोतियां निकल जाएंगी, धागे खिंच जाएंगे और उससे आपका जो आउटफिट है वो बहुत जल्दी खराब हो जाएगा, सो ये हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट है बहुत ही प्यारी सी एक और ड्रेस, यार इतनी सुंदर सुंदर ड्रेस है ना इस बार मेरे पास, मुझे तो सब
अभी ड्रेस से प्यार हो गया है। ये देखो, ये है एक इस तरीके की ड्रेस, ये भी इसकी स्लीव्स की डिजाइन इतनी डिफरेंट है। सबसे पहले तो इसका जो चेस्ट पे आपकी फिटिंग है ना, इतनी अच्छी आ रही है, बिकॉज इसमें ये स्ट्रेची वाली पूरी ये डिजाइन है, इस तरीके की वाली, इलास्टिक वाली। एंड ये यहाँ पे आपको इस तरीके का पूरा स्लीव मिल रहा है। एंड स्लीव का डिजाइन भी देखो, थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का है, लाइक मतलब यहाँ पे इलास्टिक लगी है, ऐसा बलून टाइप का लग रहा है, बट बहुत ही डिफरेंट वाइब है इसकी, मतलब बहुत ही अलग सी स्लीव है। यहाँ पे ऐसे फ्रिल लगी हुई है और आगे से फ्रंट से इस तरीके की दिख रही है। सेम चीज बैक साइड से भी है। एंड इस जो इसकी फ्लेयर है, इसमें इस तरीके का आपको मिला है, और फ्लेयर भी ना भर भर के दिया गया है। तो ये भी ड्रेस बहुत ही कूल लग रही है। इसका भी जो मटेरियल है वो शिफॉन मटेरियल है, और बहुत सॉफ्ट मटेरियल है समर्स के हिसाब से। एंड नेक्स्ट है एक और ड्रेस जो कि मेरी फेवरेट में से ही है, लाइक मेरी इस बार सभी फेवरेट है। इतने सुंदर सुंदर कलर्स एंड डिजाइन मुझे मिले हैं। ये देखो इतनी सुंदर ड्रेस, इसके भी स्लीव्स जो है फुल है, और इस टाइप की इसकी स्लीव्स मिल रही है। यहाँ पे आपको एक ऐसी बेल्ट मिल रही है जिसे आगे नॉट लगा सकते हो, प्लीटेड टाइप का आपको इसमें नीचे वाला फैब्रिक मिल रहा है। एंड ट्रस्ट मी गाइस, बहुत बहुत सुंदर लुक आ रहा है इसका। आगे से ऐसा रैप टाइप का है, बट दिस इज नॉट अ रैप प्रॉपर, इस तरीके की है। एंड यहाँ पे बटन लगा हुआ है जिसे आप बंद कर सकते हो, चटपटी बटन लगा हुआ है। एंड मैं कहूंगी कि इस तरीके का बटन का जो पैटर्न है ना, ये नॉर्मली हैवी बस्ट पे नहीं जाता, जैसे मुझे नहीं जाता, बीच में क्या होता है वो फूल जाता है और वो बहुत ही भद्दा लगता है। बट इसमें इतना स्पेस दिया गया है कि ये ऐसा कुछ भी इसमें नहीं हो रहा, और ये अच्छी लग रही है। सो दैट आई लव दिस ड्रेस। एंड इसका भी जो मटेरियल है वो शिफॉन मटेरियल है, एंड इसकी भी जो फ्लेयर वगैरह है भर भर के दी गई है। एंड ये भी बहुत कंफर्टेबल है, प्रिंट देख ही सकते हो यार कितना ज्यादा प्यारा है। नेक्स्ट है एक और ड्रेस, इसके साथ थोड़ा सा कांड हो गया, आई डोंट नो क्यों हो गया, शायद ये मुझे थोड़ी ज्यादा छोटी पड़ रही है। सो आई विल रिकमेंड यू, लेट मी चेक मैंने इसमें साइज कौन सा मंगाया था। तो मैंने स्मॉल साइज ही मंगाया था, अपना जो मैं पहनती हूँ वो ही मंगाया था। बट यदि इसमें ना आप भी एक नंबर आगे ही मंगाना, क्योंकि इसमें ना जिस तरीके का डिजाइन है, अरे यार ये बंद तो हो जाए, इसका जो डिजाइन है ना वो बहुत ही ज्यादा सेक्सी सा डिजाइन है। इस तरीके का बैक आपको मिल रहा है। एंड यहाँ पे जो चेन है ना, ये चेन का हिसाब किताब खराब हो गया है। यहाँ पे चेन ना ये बंद नहीं हो रही है सही से, और ये इस वजह से नहीं हो रही है क्योंकि मेरा जो साइज है ये मुझे अच्छे से फिट नहीं आ रहा। वैसे तो नॉर्मली साइज चार्ट के हिसाब से मुझे यही साइज फिट आना चाहिए था, बट ये मुझे साइज फिट बिल्कुल नहीं आ रहा, टाइट हो रही है बहुत ज्यादा। इस वजह से इसकी चेन जो है मिस हो गई, और मुझे अभी इसे एक्सचेंज करके दूसरी मंगानी पड़ेगी, क्योंकि ये साइज तो मुझे फिट नहीं आ रहा। तो आप भी ट्राई करना कि नेक्स्ट ड्रेस जो मंगाना वो आप दूसरी एक नंबर आगे की मंगाना, तो ही आपको जचेगी सही से। नेक्स्ट है एक और एकदम डिफरेंट स्लीव्स वाले डिजाइन की ये ड्रेस। ये इसका भी प्रिंट बहुत खूबसूरत है, एकदम बीची वाइब है। देखो यदि बीच वगैरह पे आप लोग बहुत ज्यादा ऐसा रिवीलिंग ड्रेस पहनना प्रेफर नहीं करते हो, तो इस तरीके की ड्रेसेस आप लोग के लिए काफी अच्छी होगी। इसमें एक तरफ से स्लीव्स की डिजाइन इस टाइप की है, और एक तरफ से स्लीव्स की डिजाइन कुछ इस तरीके की है। एंड ये भी एकदम बहुत ही डिफरेंट मॉडर्न और मॉडेस्ट आउटफिट लग रहा है। इस तरीके का पूरा ड्रेस मिल रहा है, मतलब लाइक एकदम मॉडर्न टाइप की स्लीव्स भी है, ऑल्सो इसमें कुछ रिवीलिंग नहीं है, तो मम्मी से डांट वैसे भी नहीं पड़ेगी। और इस तरीके का फ्लेयर मिल रहा है, तो अच्छी खासी लेंथ भी मिल रही है पूरी पूरी ड्रेस में। एंड प्रिंट तो वैसे ही बहुत खूबसूरत है, तो कहीं से भी कुछ भी रिवीलिंग नहीं है, इतनी सुंदर ड्रेस है। और ये तो मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आई है, और इसकी फिटिंग भी बहुत 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 अच्छी आ रही है। एंड आई लव 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 दिस ड्रेस, यू कैन ऑल्सो डेफिनेटली चेक आउट। और इसका फिटिंग वगैरह सब कुछ काफी अच्छा है। इसका मैंने XS साइज मंगाया, एक्स्ट्रा स्मॉल। एंड आप भी अपने हिसाब से अपना साइज चार्ट देख के ही साइज मंगाना हमेशा। नेक्स्ट है तीन और ड्रेस। ये है कॉटन मटेरियल की, ये जेनासिया ब्रांड की ड्रेस। ये मुझे बहुत अच्छी लगी, लाइक एकदम कॉटन मटेरियल है, सॉफ्ट कॉटन है बिल्कुल। इस तरीके की स्लीव मिल रही है, और ये पीछे मतलब जैसे फ्रॉक वगैरह पहले हुआ करती थी ना, एकदम उसी पैटर्न में है, बिल्कुल सिंपल सी इंडिगो प्रिंट में ड्रेस है ये। नीचे इस तरीके से फ्रिल टाइप वाली ऐसे लगी हुई है लेयर इसमें, एंड बिल्कुल सिंपल सिंपल ड्रेस है। लाइक आपको यदि ऐसे सिंपल ड्रेस पहनना पसंद है ना, तो ये ड्रेस आपके काम बिल्कुल आ सकती है। इसका प्रिंट एक्चुअली बहुत अच्छा है, इस तरीके का प्रिंट काफी सुंदर लगता है इवन समर्स वगैरह में, और ये प्रिंट तो वैसे ही काफी खूबसूरत लग रहा है। इवन कलर भी इसका बहुत प्रिटी है। इसका भी मैंने जो साइज मंगाया है वो स्मॉल साइज है, एंड आई लव दिस।
बहुत अच्छी लग रही है। एंड नेक्स्ट है ये एक क्रेप मटेरियल की ड्रेस, ये है क्रेप मटेरियल में, ठीक है। अभी बहुत सारे लोग जज करेंगे क्रेप मटेरियल को लेके, तो यार क्रेप मटेरियल इतना भी बुरा नहीं होता है जितना सब लोगों ने उसे बदनाम करके रख दिया है। तो क्रेप मटेरियल काफी अच्छे भी होते हैं और बहुत सारे कपड़ों में क्रेप मटेरियल मिलते हैं। जैसे ये मैंने जो पहना हुआ है ये भी क्रेप टाइप का मटेरियल है, बट मुझे नाइट सूट की तरह पहनना इसे बहुत अच्छा लगता है। लाइक बिल्कुल भी गर्मी जैसा फील नहीं होता है, अच्छा लगता है, मटेरियल में भी क्वालिटी आती है। तो इसी तरीके का ये भी ड्रेस है। ये ड्रेस बहुत ही लाइक यदि आपको इसे सेक्सी के तरीके से पहनना है तो ये बहुत सेक्सी लगने वाली है। नहीं पहनना थोड़ा सा ऊपर करके पहन लेना अच्छे से, क्योंकि इसमें क्लीवेज अच्छे से विजिबल होता है। आप चाहो तो क्लीवेज क्या कहते हैं कवर आता है उसको यूज कर सकते हो, या तो स्प्रैगेटी पहन सकते हो अंदर से, अदरवाइज आप इसे डीप नेक के तरीके से भी पहन सकते हो। आगे बटन की डिटेलिंग मिल रही है, इस तरीके की स्लीव्स मिल रही है, फ्लेयर तो भाई इतना सुंदर है ना, मतलब हील्स पहन रहे हो तो इतनी सुंदर मतलब वाइब आ रही है इसकी, इतना भर भर के फ्लेयर दिया है इसमें, बहुत ही सुंदर वाइब है इस ड्रेस की। एंड मुझे तो मतलब एकदम क्यूट वाली वाइब आ रही है, सेक्सी क्यूट वाली वाइब है इसमें। एंड देखो मॉडेस्ट आउटफिट ही है ये, ऐसा नहीं है, लेंथ थोड़ी सी कम है एंड क्लीवेज थोड़ा सा विजिबल है, जिसको आप इस प्रेगडी के थ्रू कवर अप कर सकते हो एंड इसको कहीं भी पहन सकते हो। सो दिस वन इज ऑल्सो वर्थ टू बाई, आप इसे डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो और इस समर्स के लिए एकदम परफेक्ट है। नेक्स्ट है एक और आउटफिट, इस तरीके का ये ड्रेस, ये भी बहुत ही क्यूट लग रहा है ड्रेस। इसका मतलब फिटिंग वगैरह को लेके मैं बोलूंगी थोड़ी सी वियर्ड सी फिटिंग है इसकी फिटिंग, मतलब ऐसे जच नहीं रही मेरी बॉडी पे, आई डोंट नो क्या है इसका। इसका जिस तरीके से बना हुआ है ना, एक्चुअली मुझे ऐसा लग रहा है ना कि इसमें चोली का और कमर के आसपास का जो पार्टीशन करा गया है ना इस इलास्टिक के साथ, वो सही से नहीं हुआ है, या तो मतलब थोड़ा सा और भी इसे ऊपर से होना चाहिए था, या वो चीज़ इसकी सेट नहीं हो पाई है, इस वजह से शायद ये इतनी अच्छी नहीं लग रही जितनी ये अच्छी और लग सकती थी। बाकी आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ कि कैसी लग रही है ये। वैसे तो मुझे ये ड्रेस बाय द वे बहुत अच्छी लग रही थी, बट मैंने जब इसे पहना तो मुझे इतनी नहीं जची जितनी मुझे एक्सपेक्टेशन थी इससे, बट ठीक है, स्टिल आई लव दिस, बट इतना ज़्यादा नहीं जितना मैंने इसे पे किया है। सो आई डू नॉट रिकमेंड कि भाई मतलब, फिर भी ये डिपेंड करती है बॉडी टाइप पे, आपकी बॉडी टाइप कैसी है उस पर डिपेंड करेगा कि आपके ऊपर कैसी लग रही है। बट मेरे ऊपर तो थोड़ा सा 19-20 सी लग रही है, बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं लगी, बट ठीक है, आई एम ओके विद दिस। एंड इस तरीके की स्लीव्स, इसमें स्लीव्स की डिज़ाइन इसमें बहुत सुंदर है, और बेसिकली मैंने इसी वजह से इसे मंगाया था, बट कमर को लेके इसका हिसाब किताब थोड़ा सा बिगड़ गया। और इसमें दूसरी चीज़, अंदर कोई लाइनिंग नहीं है, तो आपको अंदर से पैंट वगैरह, साइकिलिंग शॉर्ट, बॉय शॉर्ट, ये सब पहनना पड़ेगा तो ही ठीक रहेगा, ऐसे डायरेक्टली नहीं पहन सकते, और सी थ्रू बिल्कुल भी नहीं है। बट स्टिल यदि आप कोई ड्रेस वगैरह पहन रहे हो तो अंदर से शॉर्ट्स वगैरह पहनने की जरूरत होती है, सो वो चीज इसके साथ मैंडेटरी हो जाएगी क्योंकि इसमें कोई लाइनिंग नहीं है। सो यार दिस इज इट, और ये था आज का हॉल, 10 ड्रेस हॉल फ्रॉम Myntra। आई होप सो आपको अच्छा लगा हो आज का हॉल। आगे आने वाले वीडियोस में मैं बहुत सारे हॉल लेके आने वाली हूँ। आज मेरे पेट मेरा बहुत दर्द सा हो रहा है, स्टिल देखो मैंने आज बर्गर मंगा लिया क्योंकि मुझे बहुत दिन से बर्गर खाने का मन कर रहा था और मैंने बर्गर मंगा लिया। सो आप लोगों को कॉमेंट करके ये भी बताना है किसको बर्गर पसंद है, किसको पिज्जा पसंद है। सो आई एम अ बर्गर लवर, बट हस्बैंड इज नॉट बर्गर लवर, तो मुझे उनके चक्कर में पिज्जा खाना पड़ता है और मेरे चक्कर में वो बर्गर खाते हैं, तो ये इसे बैलेंस होके चलता है घर। या सो दिस इज इट, आज का वीडियो यही है, और मिलते हैं अनदर वीडियो में। फटाफट लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर लेना एंड इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, मेन चीज है ब्रॉडकास्ट चैनल ज्वाइन कर लो क्योंकि वहां पे लिंक्स बहुत ही इमीडिएट आते हैं। तो यदि YT शॉर्ट्स वगैरह के वीडियोस के लिंक आपको नहीं मिल पाते हैं तो वहां पे इजीली बहुत जल्दी आ जाते हैं। तो मेरा ब्रॉडकास्ट चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाके आप इसे ज्वाइन कर सकते हो, वहां पे आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते हैं। ओके, तो मिलते हैं गाइस किसी अनदर वीडियो में, अभी के लिए लेती हूँ विदा। ओके बाय।